ये एरिया में था, समझ में नहीं आ रहा है रास्ते बराबर है या हम गलत जा रहे हैं। ये बीच पे आने के बाद गीला होने से पहले फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं पेल्लम बीच और आप देख सकते हो क्या नज़ारा है यहाँ पे। मतलब हर जगह पे पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं और बाजू में बैक वाटर्स है यहाँ पे। भाई मैप का यूज़ करके जा रहे हैं और मैप हमें पूरे गांव के बीच में से लेके जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है रास्ते बराबर है या हम गलत जा रहे हैं। भयानक अंदर से लेके जा रहे बाबा, मैप भी गोची कर रहा है। अच्छा खासा अंदर आ गए एंड दिस इज़ गुड कि जो नॉन कमर्शलाइज्ड गोवा है वो देखने को मिल रहा है हमको। ये एक्चुअल गोवन घर है। फाइनली हम ऐसे रास्ते पे आए जहाँ से सीधा जा सकते हैं यार। ट्रैफिक तो देखो भाई, चलो। मैंने गोवा के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ बीचेस आते थे। नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगा उस टाइम पे मेरे को ट्रैफिक भी दिमाग में आएगा मेरे। भाई गोवा और गोवा का ट्रैफिक, बीच के पास आते ही आपको लोग दिखना शुरू हो जाते हैं, टूरिस्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे होटल्स वगैरह अच्छे खासे बने हैं। यहाँ पे आपको मार्केट काफ़ी अच्छा मिलता है, कपड़े बोलो चप्पलें बोलो बहुत सी चीज़ें मिल सकती है। और लड़कियों के लिए तो बाबा ये देख लो, दिस इज़ रियली गुड। अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो यहाँ पे आके ले सकते हो। मार्केट वाले रास्तों से बीच वाले रास्तों पे आने के बाद भाई फुल वाइब लाना शुरू हो गई, क्योंकि पार्किंग से ही समुंदर की झलक साफ साफ दिख रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से बाइक पार्क करते हैं। बाय द वे ये पेड पार्किंग है, इसका कुछ 20 रुपीज़ पर बाइक चार्ज लगा। फाइनली वी आर एट पेल्लम बीच और यहाँ पे पार्किंग वगैरह लगाने के बाद दिस इज़ द व्यू दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बीच। आई एम श्योर यू विल लव इट। अभी इट्स लाइक पूरा धूप है तो थोड़ा डिफिकल्ट ऐसा चेहरे पे पूरा आ रहा है। डू लेट मी नो कि ये आपको बीच कैसा लग रहा है। अभी और एक्टिविटीज़ करने वाले हम यहाँ पे। ये बीच पे आने के बाद गीला होने से पहले फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ यहाँ पे एक फेरी लेके आपको 2-3 आइलैंड घुमाने लेके जाते हैं। वन ऑफ देम इज़ मंकी आइलैंड, डॉल्फिन्स भी दिखाते हैं अंदर पानी में ले जाके। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपको जनरली पूछेंगे कि आपको जाना है क्या। अगर आप डायरेक्टली हाँ बोलते हो तो बहुत पैसा लेंगे। व्हाट आई सजेस्ट इज़ थोड़ा वेट करो। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो प्राइवेट बोट करके जाओ या फिर शेयरिंग में जाओ। शेयरिंग में कम पड़ता है, अगर प्राइवेट जाओगे तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमें 5 लोगों के हिसाब से वो 3,500 बोल रहे हैं प्राइवेट में जाने का, और शेयरिंग में जाने का वो बोल रहा है 500 पर हेड है। तो अभी थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं, देखते बात करके क्या बोल रहे हैं। हमें अभी शेयरिंग में भी मिल गया है तो शायद हम 300 रुपये पर हेड में जाने वाले हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। अभी जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको इन सब चीज़ों का अपडेट देते जाएंगे। फिर हमने फेरी बोट्स को पानी में उतारने के लिए हेल्प की। आई डोंट नो व्हाई बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। तो अभी हमने बस शुरू किया, नाव अंदर आ गई है पानी में और अभी हम जाके बैठने वाले हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने एक डॉल्फिन स्पॉट किया है, कुछ ये एरिया में था अभी थोड़ी देर पहले। अभी इधर दिखाई दे रहा है, वो देखो वो देखो दो है, वो दो है, देखो दो है, दो है। रुको यहीं पे आ रहा है वो, ये आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ उसको घेर लिया है चारों तरफ से, तुम छुप नहीं सकते, आ जाओ बाहर। हाँ वो रहा, अरे भाई निकला और गया वापस अंदर। और ये खचखना जी मुझे खा दे खचखना। आजा भाई आजा भाई आजा। ये बहुत इसका है
भाई डॉल्फिन अभी गया तो भाई हमने डॉल्फिन तो देख लिया और बहुत नज़दीक से देखा इस बार तो। और डॉल्फिन देखने के बाद अभी अपन जाएंगे बटरफ्लाई बीच पे। बटरफ्लाई बीच क्यों बोलते हैं पता नहीं है, अभी जाके देखते हैं। तो ये है बटरफ्लाई आइलैंड और ये माउंटेन का जो स्ट्रक्चर है जो रिसेंबल करता है बटरफ्लाईज विंग्स से, इसी के वजह से इस आइलैंड को नाम मिला बटरफ्लाई आइलैंड। तो अभी जा रहे हैं हनीमून आइलैंड, तो दोनों में से एक ही आइलैंड पे रुकने वाले हैं हम लोग। तो वहाँ पे जाके देखेंगे, अगर वो सही रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे आके उतरेंगे ऐसा वो बोल रहे हैं। ऐसा कुछ सीन चल रहा है, मैं अभी बोट पे सामने खड़ा हूँ, पकड़ के खड़ा रहने के लिए बोला है उन्होंने, तो वही कर रहा हूँ। और अभी हम जा रहे हैं हनीमून आइलैंड। दूसरा आइलैंड अच्छा था लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट था चढ़ना उतरना, तो वी हैव डिसाइडेड टू कम हियर। तो हनीमून बीच पे आ गए, अभी यहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास करते। अपनी जो नाव है वो 15 मिनट के लिए अंदर जाएगी, 15 मिनट के बाद अपनी लेने आएगी। आइलैंड पे मज़ा तो बहुत है, यहाँ पे आपको फल फ्रूट्स और बियर शॉप वहाँ पे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप आराम से यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग तैर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग तैर रहे हैं, यहाँ पे मेरे साथ वाले खेल रहे हैं। बोट आ गया है अंदर। यहाँ से निकलते वक्त एक बेचैनी सी हो रही थी, और हो भी क्यों ना, यादों की छोटी छोटी पुतलियाँ जो बन रही थी, जिंदगी जैसे मिनटों में समेट गई थी। नई जगह एक नया एक्सपीरियंस दिए जा रही थी, ये समुंदर का पानी, तेज चलती हवाएं और ये नज़ारों के बीच आई वॉज रियली हैविंग गुड टाइम्स एंड आई फील्ट लाइक ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। यहाँ पे वैसे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग। मैं तो अभी फ़िलहाल रखवाली कर रहा हूँ, बाकी जो लोग हैं वो पानी के अंदर गए हुए हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर देम टू कम, और जब वो आएंगे तब मेरा नंबर आएगा, तब मैं भी जाऊँगा अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट उधर बैक वाटर का एक एरिया है, फाइनली अपना चांस आया
और अपन जा सक रहे हैं पानी के अंदर। शेर्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ किसी समुंदर में अपना गोप्रो डाल के मस्ती कर रहा हूँ। इसके पहले मेरा लास्ट टाइम जब मैं समुंदर में गया था उस टाइम पे मेरा फोन खराब हो गया था, पानी में गिर गया था। उसके बाद आई डिसाइडेड टू गेट अ गोप्रो, और गोप्रो लेने के बाद भाई अपन तो राजे, अपन अंदर जाएंगे, अपन पानी में वीडियो शूट करेंगे। पूरा नमक मुंह में चला गया। दिस इज गेटिंग गुड यार, मज़ा तो बहुत आ रहा है। अभी तक कोई बड़ी लहर आई नहीं, आई एम वेटिंग फॉर बड़ी लहर जो मुझे उठा के बाहर फेंक दे। खुश हो गया रे बाबा। अभी इसका वेट करते हैं, इसका वेट करते हैं। ऐसे ही खड़े रहेंगे अपन, ऐसे ही। नाक मुंह में पानी गया। अभी मैं GoPro रखता हूँ और वैसे ही आता हूँ। आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड इट रोड, और आपको पता चल गया होगा कि ये बीच पे आने के बाद क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ से, डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो प्लान करते हैं, जिनके साथ आपका प्लान बन सकता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज इस सीरीज़ के अंदर गोवा के मैं लाने वाला हूँ, तो डू सब्सक्राइब। चलो बाय बाय, अभी मैं GoPro रखता हूँ एंड देन आई विल गो इनसाइड अगेन।